भाई साहब एफर्ट मारो, ये जो मन वन है इसको पिटोरी में, उसमें ना किसी पिटारे में डाल के फेंक दो किसी नदी नाले में, है ना, किसी को पकड़ाओ। जो काम करना है तो करना है, इसके बारे में कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। कोई का मतलब कोई नहीं, कोई ये नहीं मेरे घर पे शोर हो रहा है, कोई ये नहीं कि घर वाले मुझे तंग कर रहे हैं, भाई छत पे जाके बैठ जा, छत पे नहीं बैठ सकता, किसी गांव खलिहान किसी दोस्त के यहाँ चला जा, हाँ कोई मैटर नहीं करता ये सारी चीजें, ठीक है। कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, कोई का मतलब कोई नहीं। अगले 45 डेज फुल कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए, ट्रांस होना चाहिए, एक ऐसा नशा होना चाहिए कि बस जैसे वो एक नशेड़ी इंसान होता है ना, उसे कुछ नहीं पता चलता भैया क्या अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, कोई मुझे अच्छा बोल रहा है बुरा बोल रहा है, भाड़ में जाओ जिसको जो कहना कह लो, बाद में देखें। एक बार एग्जाम हो जाए उसके बाद बात करेंगे, अच्छा एग्जाम हो जाए रिजल्ट आ जाए उसके बाद सबसे बात करेंगे। सब लोग यहीं पर रहेंगे बोलने वाले, कहीं नहीं जा रहे ये, कहीं नहीं जा रहे ये, यहीं पे रहेंगे। शो देम योर रिजल्ट, और उनका मुंह बंद करने का एक ही तरीका है, आपका अच्छा रैंक, वो कोई भी हो, ठीक है। तुम मेहनत बहुत करते हो, तुम्हारे तरीके सही नहीं, तुम मस्त नहीं रहते हो, तुम संघर्ष नहीं करना चाहते हो, तुम डरे हुए हो, तुम परेशान हो, अनावश्यक। अबे सुबह उठो, 5 किलोमीटर दौड़ो, 100 सपाट मार लो, बैठ के पढ़ो। किस बात से डरे हो मेरे भाई? राम को संघर्ष करना पड़ा, कृष्ण को करना पड़ा, मोहम्मद को करना पड़ा, जीसस को करना पड़ा, बुद्ध को करना पड़ा, महावीर को करना पड़ा, किसको नहीं करना पड़ा? और तुम बिना संघर्ष के राजा बनना चाहते हो? संभव ही नहीं है। ये मोबाइल फोन को यूज करो अपनी ताकत के लिए, वो हमें यूज करें ऐसा। फेसबुक बनाने वाला बनना है तुमको, फेसबुक यूज करने वाला नहीं बनना है तुमको। मेडिकल साइंस में जाके तुम्हें सर्जरी के लिए क्या नया इनोवेशन करना है वो करना है तुमको। सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखने तुम लोगों को, आप देश का भविष्य कहने के लिए वास्तविकता है। वास्तविकता है आज भी देश में, अमेरिका में, नासा में 36% इंडियंस हैं, 36% इंडियंस हैं जो काम कर रहे हैं। जितने भी लॉन्च होते हैं उन सब में 36-37% इंडियंस का हाथ होता है। हम बहुत विषम परिस्थितियों में पले बड़े हुए हैं, हमारी दिमाग की क्षमताओं का कोई पार नहीं है और ना हमारी कोई बराबरी कर सकता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको मोटिवेट करने के लिए कह रहा हूँ, ये वास्तविकता है।